की हालत में पानी से बचे रहना बड़ा आसान है, खाने से बचे रहना बड़ा आसान है, बीवी से बचे रहना बड़ा आसान है। आओ अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो बंदा रोजा रखते हुए झूठ बोलना ना छोड़े, जो बंदा रोजा रखते हुए गंदी गुफ्तगू करना ना छोड़े, जो बंदा रोजा रखते हुए बेकार की बातें करना ना छोड़े, ऐसे बंदे का भूखे रहने की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। बड़ा आसान है खाना पीना छोड़ना, गीबतें छोड़ो, लोगों पर बहुतान बांधना छोड़ो, गाली गलौज छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, ये असल है रोजा। रोजा सिर्फ पेट का नहीं, रोजा जबान का भी है, रोजा आंखों का भी है, रोजा कानों का भी है, रोजा हाथों का भी है, रोजा पैरों का भी है। रोजा रहो तुम पूरा मुकम्मल। अल्लाह के नबी के पास एक औरत का जिक्र हुआ, कहा या रसूलुल्लाह मदीने में कितने ऐसे रोजेदार होंगे, जरा थोड़ा अपने गिरेबानों में झांक लो, जरा जानने की कोशिश करो, ऐसी कितनी सासें हैं जो सुबह से शाम तक अपनी बहुओं पर ताने मारती है, ऐसी कितनी बहुएं हैं जो अपनी सासों पर गालियां बकती है, ऐसे कितने दोस्त हैं जो अपने दूसरे दोस्तों पर बहुतान बांधते हैं, ऐसे कितने रिश्तेदार हैं जो अपने दूसरे रिश्तेदारों की गीबतों की महफिलों में शामिल होते हैं, उनकी गीबतें सुनते हैं, उनकी गीबतें करते हैं। ये जबान के मसला क्या? एक औरत मदीने की सरजमीन पे है, अल्लाह के नबी से कहा गया या रसूल अल्लाह मदीने में ऐसी रोजेदार औरत दूसरी नहीं है, बड़ी रोजेदार औरत है, बड़े रोजे रखने वाली है, लेकिन या रसूल अल्लाह वो अपनी जबान को काबू में नहीं रखती, वो जबान से तकलीफ देती है, वो लगाली गलौज करती है, वो बहतान बांधती है, वो गीबत करती है, वो जबान पर कंट्रोल नहीं रखती, लेकिन रोजेदार बड़ी है, बड़े रोजे रखती है। अल्लाह के नबी ने कहा सुनो लोगों, अभी उस औरत ने रोजे रखने शुरू नहीं किए हैं, अभी उसने रोजा रखना नहीं सीखा है, अभी उसने रोजे रखने की शुरुआत नहीं की है। हाँ या रसूलुल्लाह उसके रोजे रोजे नहीं? कहा बिल्कुल नहीं, उसके रोजे रोजे नहीं है। अभी लोग जाकर कहने लगे ए माई तुम्हारे मुतालिक अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम रोजे तो रखती हो, जबान का कंट्रोल नहीं है, तुम बहुतान बांधती हो, गीबत करती हो, गाली देती हो, तकलीफ देती हो लोगों को। अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारा रोजा रोजा नहीं है, तुम्हारा रोजा रोजा नहीं। कहा यार अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा, सुनो आज के बाद मैं जबान पर भी कंट्रोल करूंगी और रोजे भी रखूंगी। इस्लाह कर ली उसने अपनी। सहाबा ने आकर कहा या रसूल अल्लाह अब वो औरत अपनी जबान को कंट्रोल में भी रखती है और रोजे भी रखना शुरू की है। तो कहा हाँ अब वो रोजेदारों में शामिल है, अब उसका शुमार रोजेदारों में है, अब अल्लाह उसका नाम रोजेदारों में लिखेगा। क्या मालूम हुआ मेरे भाई, तुम खाने से बचकर रोजेदार समझते हो अपने आप को, तुम पानी से बचकर रोजेदार समझते हो, तुमने बहनों का हक मारा हुआ है, तुमने दोस्तों को गालियां बकी हुई है, तुमने रिश्तेदारों की गीबतें की हुई है, तुम झूठ पर झूठ बके चले जाते हो और समझते हो कि अल्लाह रोजेदारों में लिखेगा हमारा नाम। समझने की बात है मेरे भाई, आसान बात नहीं है ये, इससे बचो असल में, ये रोजा है असल में, असल ये रोजे की ट्रेनिंग है हमारे वास्ते।